आपके साथ। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ को लेकर कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कमलनाथ की हमारी पार्टी में कोई आवश्यकता नहीं है, उनके लिए दरवाजे बंद हैं। विजयवर्गीय ने कहा कमलनाथ बहुत ही समझदार नेता हैं, इस बार कैसे धोखा खा गए हमें भी समझ नहीं आया। विजयवर्गीय बुधवार को जबलपुर पहुँचे थे। यहाँ मीडिया ने उनसे कमलनाथ के भाजपा में आने की अटकलों और फिर इस मामले के ठंडा पड़ने को लेकर सवाल किया था। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी के संभागीय कार्यालय में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी नेताओं की बैठक ली। उन्होंने पोलिंग बूथ मजबूत करने के मंत्र कार्यकर्ताओं को दिए, साथ ही उन्हें चुनावी तैयारी में जुट जाने को कहा। उन्होंने दावा किया कि हमारे साथ जनता जनार्दन है, इसलिए इस बार भी लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। दिग्विजय सिंह के पेटीकोट वाले बयान पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के नेता फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं, इन्हें मालूम है कि इनका भविष्य अच्छा नहीं है, उनके नेता की चमक दमक अब बची नहीं है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आदमी कुछ भी बोलता है, इसलिए दिग्विजय सिंह दया के पात्र हैं, मैं उनके बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल की घटना बहुत ही शर्मनाक है, टीएमसी सरकार अपनी ताकत के दम पर महिलाओं का शोषण कर रही है, पश्चिम बंगाल के लोग भी केंद्र सरकार की योजनाओं के पात्र हैं, लेकिन टीएमसी के कारण वहाँ पर पात्र लोगों को भी शासन की योजना का लाभ और अनाज पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पुलिस गुंडे और राजनेताओं का नेक्सस चल रहा है, ये सब सरकार के दम पर ही चल रहा है। दिल्ली सरकार पर तंज कसते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दिल्ली में छोटी छोटी बातों पर कैंडल मार्च निकालने वाले, सड़कों पर उतरने वालों को वहां जाकर देखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के क्या हाल है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। इसी के साथ बने रहे।